नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। जैसे कि पिछली बार कहा था, आज हम देखने जा रहे हैं राग जन सम्मोहिनी। उसी तरह शुरुआत करते हैं कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो शुरुआत करते हैं एक गीत से जो संगीतकार चित्रगुप्त की रचना है, एक ड्यूएट है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वर में। आगे बढ़ते हैं संगीतकार नौशाद की एक रचना, खास करके दिलीप कुमार के लिए स्क्रीन के लिए बनाई हुई, मोहम्मद रफी के स्वर में। अगला गाना जो है मेरा सबसे फेवरेट है, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। संगीतकार का नाम आपको बताना है। अगर आप इन तीनों गानों को थोड़ा गौर से देखेंगे तो दिखेगा कि तीनों गानों में एक दर्द सा है, रेस्टलेसनेस है, और उसको सामने लाने के लिए बड़ी बखूबी से जन सम्मोहिनी के स्वरों का उपयोग किया गया है। अब ये क्यों मुमकिन होता है आगे चल के देखते हैं। जन सम्मोहिनी, जन सम्मोहिनी जो है दो रागों के बीच में अटका हुआ है। एक तरफ है राग कलावती जो चलता है, षड्ज शुद्ध गंधार है, पंचम है, दैवत और निषाद पांच स्वरों का राग है। निषाद जो है कोमल है, और
यह है कलावती। इसमें एक ऋषभ ऐड करने से जनसम्मोहिनी हो रहा है। जो पांच स्वरों का राग है उसको पूर्णता की तरफ लेके जाने का एक थोड़ा सा प्रयास। कलावती में ये ऋषभ ऐड हो गया। अब इसको पूर्णता तब मिलती है जब इसमें हम मध्यम ऐड करते हैं और फिर मिलता है हमें राग झिंझोटी जो इसकी दूसरी तरफ है। अब ये पूर्ण राग हो गया। जनसम्मोहिनी में जो अपूर्णता का फील है, जो ये मध्यम के बिना है, इस फील को इस्तेमाल किया गया है इन तीनों गानों में जो हमने शुरू में सुने थे। तो अब जनसम्मोहिनी थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, एक स्केल है ये, इसमें चलन राग का बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड नहीं है, जो झिंझोटी में आगे जाके बन जाता है। तो इसमें जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, एक एक सुर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे राग बढ़ते जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको
बढ़ाते जाते हैं, एक एक सुर प्राधान्य लेते जाता है। कभी गंधार प्रबल है, कभी ऋषभ प्रबल है, कभी धैवत प्रबल है। अब एक सवाल मन में आता है कि ये जो राग जिसकी एक तरफ कलावती है, दूसरी तरफ झिंझोटी है, आपको क्या लगता है कि ये राग किसकी तरफ ज्यादा झुकता है, कलावती या झिंझोटी की तरफ? आप उत्तर दे सकते हैं चैट में। एक बंदिश सुनाता हूं मध्यलय एक ताल में। तो ये था थोड़ा सा अधूरा और फिर भी मधुर राग ज्यादा संबोहिनी। अपना राग परिचय जारी रखेंगे अगले हफ्ते और देखेंगे और एक मधुर बहुत पॉपुलर राग, राग किरवाणी।